Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your career expectations, your path ahead, finances and success. So let's get started with your reading. Hello, welcome to this setup. Hamesha ki tarah, we are going to have three piles. So you have to pick your pile according to your date of birth. Pile number one is going to be of the dates 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26, 28. So agar aapka birthday in dates par aata hai, kisi bhi month ke in dates par aata hai, you have to choose pile one. Agar aapka birthday 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या फिर 31, ये जो डेट्स हैं इनमें से किसी एक डेट्स में आपका बर्थडे आता है, देन पिक पाइल नंबर टू. पाइल नंबर थ्री इज ऑफ 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 and 30. तो अगर इन डेट्स में आपका बर्थडे आता है, किसी भी मंथ की इन डेट्स को आपका बर्थडे आता है, देन यू हैव टू पिक पाइल नंबर थ्री. All right, so let's get started with your reading now. Hello, pile number one. So this is your reading. You chose this pile because your birthday 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, या फिर 26, 28 इन डेट्स में से किसी एक डेट पर आपका बर्थडे आता है. So let's get started with your reading. So your career expectations, pile one. Your path ahead, finances. So, क्या करियर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट, कैसा आप. ओके, वी हैव द टावर. ऑल राइट, द टावर गिव्स मी द मैसेज समथिंग अनएक्सपेक्टेड इज अबाउट टू हैपन इन योर करियर. लेट्स गेट सम मोर इन्फो. ओके, वी हैव द वर्ल्ड. ओके, ऑल राइट, सम ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, चेंज ऑफ प्लान्स. Then we have the chariot. We have all the major arcanas in your read. I mean, not all, but some of the major arcanas are here. Pile one. End of the deck mein, we have the 10 of cups. Beautiful. 10 of cups shows emotionally being satisfied because of your career. So I see pile number one. You will have your own plans, of course. हर किसी के अपने plans होते हैं, आपके भी अपने कुछ plans हैं, nothing is wrong with that. But the universe has different plan for you. जो आपके plans है कई ज़्यादा अच्छा है. The chariot here shows के you are gonna be really like right now, ऐसा हो सकता है, या फिर in the very very near future you're gonna be the crossroad. Should I pick this or should I pick that? क्या मुझे इस direction में जाना चाहिए या फिर मेरे को उस direction में जाना चाहिए. दो path या फिर दो से भी ज़्यादा path आपको मिल सकते हैं choose करने के, and you have to pick a path for yourself. एंड सम हाउ जो आप शायद हमेशा से चाहते थे कि मैं ये पाथ पिक करूंगा या करूंगी, सम हाउ चेंज ऑफ प्लान हैपन्स एंड यू पिक अ डिफरेंट पाथ. एंड कहीं ना कहीं वो आपको फीलिंग आता है कि आई शुड पिक दिस पाथ, या फिर लाइफ जो है आपको वही पाथ पिक कराती है. हो सकता है जिस पाथ पर आप चलना चाहो उस पाथ पर आपको जगह ही ना मिले चलने, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग चल रहे हैं. लाइक इफ जस्ट यू नो आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि लेट्स से आप एक मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते थे, एंड देर आर मैनी पीपल हु वॉन्ट टू गो इन द मेडिकल फील्ड. यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू इट, बट सम हाउ जब सिलेक्शन की बारी आती है तो यू डोंट गेट सिलेक्टेड इन दैट कॉलेज और यूनिवर्सिटी, बट आपको कोई और कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलती है. चेंज ऑफ प्लान हैपन्स, यू लिटरली चोज अ डिफरेंट फील्ड फॉर योर सेल्फ, या फिर समय कुछ ऐसा हुआ, अगेन सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आपको एक डिफरेंट फील्ड ही पिक करना पड़ गया. इसी लाइक डिफरेंट डायरेक्शंस हेयर विद द वर्ल्ड कार्ड, जैसे विंटर वाले डायरेक्शन में जा रही है लेडी, एंड दिस लेडी इज गोइंग टूवर्ड्स अ समर डायरेक्शन. दिस पर्सन, दिस लेडी इज गोइंग इन अ डायरेक्शन जहाँ पर शायद हर समर या विंटर हम फील कर सकते हैं. सो बेसिकली दीज ऑल कार्ड शोज मी चेंज ऑफ प्लान्स. वट एवर यू हैव प्लान फॉर योर सेल्फ इन करियर, उससे कुछ हटके, उससे कुछ अलग आपकी लाइफ में होता है करियर में, और वो आपको बहुत विक्ट्री देता है, फेम देता है, विक्टोरियस बनाता है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता है. पेरेंट्स या फैमिली आपसे बड़ा सेटिस्फाइड महसूस करती है आपके करियर ऑप्शन से, आपके करियर प्रोग्रेस से.
यू ऑल्सो फील इमोशनली रियली सेटिस्फाइड विद इट. कहीं ना कहीं जैसे दिमाग से सर से बोझ गया और एक अच्छी जगह पर आप जा रहे हो. बट येस, चेंज ऑफ प्लान्स इज डेफिनेटली ऑन योर कार्ड्स. लेट्स से अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते थे, समहाउ उस कंपनी में आपका नहीं ज्वाइनिंग हो पाया, कुछ ऐसा सिचुएशन बना, एंड देन यू आर लाइक ओके लेट मी ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी जो एक कंपनी दूसरी दे रही है, एंड देन यू रियलाइज दैट ओ ये एक बेटर ऑप्शन था उस कंपनी से जो मुझे पहले रियलाइज नहीं हुआ. सो वट एवर इज हैपनिंग फॉर द बेटर गुड, अंडरस्टैंड दिस. बट येस, द वर्ल्ड रियली शोज एक नया साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है, स्पेशली करियर में एक नया साइकिल शुरू हो चुका है, एंड द ओल्ड वन इज एंडेड. और इस वजह से आप ये भी चीज देखोगे पाइल वन की करियर को लेकर आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंड सेट बदल रहा है, चेंज हो रहा है. जो अभी से शायद एक महीना पहले माइंडसेट था करियर को लेके, इट इज काइंड ऑफ चेंज्ड. या बहुत टाइम से जो माइंडसेट था करियर को लेकर, इट इज नाउ चेंज्ड. द टावर शोज सडन चेंज एंड द वर्ल्ड शोज अ न्यू साइकिल इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ, एंड द ओल्ड वन इज एंडेड, एंड द चैरियट शोज विक्ट्री. तो करियर में येस, द टावर रिप्रेजेंट्स अनएक्सपेक्टेड थिंग्स एंड द चैरियट रिप्रेजेंट्स विक्ट्री. सो सम अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री इज ऑल्सो ऑन द कार्ड. ये विक्ट्री आपने मतलब इसके लिए शायद इतना एफर्ट नहीं कराया, बहुत कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज, कोई विक्ट्री आपको अपने करियर में मिलने वाली है जल्द ही जल्दी, यानी कि वी कैन से विद इन अ मंथ और विद इन 35 to 40 days ही आपको विक्ट्री, कोई अनएक्सपेक्टेड यू नो गुड न्यूज अपने करियर के थ्रू मिलने वाली है. देन वी हैव पेशेंस कार्ड. सो पाइल नंबर वन, द गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ इज टू बी पेशेंट इन योर करियर, टू पेशेंट विद योर ओन सेल्फ. देन वी हैव एक्शन कार्ड. अपने एक्शन लेते रहो, अपना जो आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना है उस कर्म पर फोकस करो, एक्शन जरूर लो. इफ यू वर थिंकिंग दैट शुड आई डू दिस और शुड आई डू दैट, आई एम कन्फ्यूज. सो फाइनली अब आप फॉरवर्ड मूव कर पाओगे, अब आप एक्शन ले पाओगे, अब आप एक डिसीजन पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हो. कन्फ्यूजन्स आर एंडिंग, इवन चैरिट शोज कन्फ्यूजन्स आर एंडिंग. यू आर एबल टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. एक्शन ओरिएंटेड आप नजर आ रहे हो, इनफैक्ट गोल ओरिएंटेड नजर आ रहे हो, और उस गोल को इनफैक्ट आप एक डिफरेंट वे से अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं. उस तरीके से नहीं अचीव करे जिस तरीके से आप अचीव करना चाहते थे, तरीका बदल रहा है उस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने का. अगेन, एक्शन ओरिएंटेड आप नजर आ रहे हो. इफ यू वर थिंकिंग कि मुझे इस डायरेक्शन में एफर्ट लेना, मतलब एफर्ट करना चाहिए, देन एक्शन कार्ड सेज यस, आपको इस डायरेक्शन में एफर्ट करना चाहिए. देन लेट्स पुल सम कार्ड्स फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी डेक. पाइल नंबर वन का करियर. ओके, वी हैव द फर्स्ट हाउस. ओके, फर्स्ट हाउस, इट्स नॉट फर्स्ट हाउस, वी हैव 11th हाउस, सॉरी. इट सेज रिक्रिएशन रूम, प्लेजर. 11th हाउस जो होता है वो हमारे होप्स विशेस डिजायर्स के फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो भी आपकी होप्स विशेस डिजायर्स थे. और 11th हाउस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज कमिटीज, लार्ज ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, वाइल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है. सो इवन लाइक इफ यू वर थिंकिंग आई वॉन्ट टू विजिट द वाइल्ड लाइफ, आई वॉन्ट टू हैव I want to see wild animals, बहुत पास से मैं देखना चाहती हूँ. So these kind of experiences, yes, you can get. If you are planning for such vacation, safari vacation, you can do that. 11th house यहाँ पर ये show कर रहा है कि large groups, large ऑर्गेनाइजेशन से आपका मिलना जुलना या उनके साथ आपका उठना बैठना, उनसे आपको gains हो रहे हैं. 11th house इनकम को रिप्रेजेंट करता है, तो इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और उस इनकम से आप अपने होप्स विशेज डिजायर्स को फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हो. 11th house हमारे एल्डर सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो एल्डर सिबलिंग का somehow आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस, स्पेशली करियर रिलेटेड इन्फ्लुएंस काफी नजर आ रहे हैं. मे बी यू आर लिसनिंग टू योर एल्डर सिबलिंग, या फिर जिसको भी आप अपना एल्डर सिबलिंग मानते हो, बड़ा भाई बड़ी बहन मानते हो, आप उसको सुन रहे हो, आप उसको उसकी सलाह मान रहे हो, उसके इन्फ्लुएंस में काफी आ रहे हो. सो दिस इज ऑल्सो वॉट वी आर गेटिंग. एंड देन वी हैव सेजिटेरियस. सो यस, सेजिटेरियस इज रूल्ड बाय जुपिटर. सो यहाँ सेजिटेरियस हायर एजुकेशन का सिग्निफिकेटर होता है, एजुकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन को शो करता है. समहाउ यू कैन टेक सम हायर एजुकेशन और यू मे टेक सम एक्स्ट्रा कोर्स
और आप अपने कुछ नए गुरुज मेंटोर्स से मिलते हुए नजर आ रहे हो। अगर आपके पहले से ही कुछ गुरुज मेंटोर्स है तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। यू योर सेल्फ कैन बिकम अ गुरु मेंटोर फॉर अदर पीपल इन योर करियर इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशंस, या जहां पर आपको एक कंसल्टेंट, एडवाइजर, प्रीचर, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है। अगर आप इन तरीके करियर्स में जा रहे हो तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी, ये यहाँ नजर आ रहा है। आप खुद एक प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्सो समहाउ फील पाइल वन दैट सिंस द लाइक वेरी बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, जब से आपने होश संभाला है तब से शायद आपको बहुत अच्छे कोई गुरुज मेंटोर शायद नहीं मिले। एंड इट्स बिकॉज यू आर सपोज टू बिकम द गुरु मेंटोर फॉर अदर पीपल। इट्स ऑल्सो अ थिंग पाइल नंबर वन। एंड आई सी यू एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट योर करियर, क्योंकि अगेन सजिटेरियस इज अ फायर साइन, सो फायर एनर्जी ऑलवेज रिप्रेजेंट सम पैशन, सम यू नो एग्रेसिव फॉरवर्ड मूवमेंट। सो ये चीज़ें भी आप करते हुए नजर आ रहे हो। बट यस, सजिटेरियस शोज हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन, फिलोसफी, इट रिप्रेजेंट्स रिलीजन। सो कुछ ये रिलीजियस एक्टिविटीज या फिलोसफिकल नेचर, फिलोसफिकल अप्रोच नजर आ रहा है अपने करियर को लेकर आपका, और आप हायर पर्पस को देख पा रहे हो अपने, या हायर गोल्स को अपने देख पा रहे हो और उसको फुलफिल करते हो नजर आ रहे हो। जो आपके बिग गोल्स थे लाइफ में आप उनको अचीव कर सकते हो ड्यू टू योर करियर इन द वेरी नियर फ्यूचर। वेरी वेरी नियर फ्यूचर यानी एक दो महीने में आप कुछ अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को, अपने करियर वाले लॉन्ग टर्म गोल्स को कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव सन, इट्स एज रेडिएटिंग। तो सन ऑफकोर्स अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। सो सन इज द नेचुरल आत्मा कारक एज वेल, सोल सिग्निफिकेटर एज वेल। इट कैन लिटरली हैपन योर सन इज इन द साइन ऑफ सजिटेरियस, और या फिर आपका सन नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है या नाइन्थ लॉर्ड के साथ प्लेस है। सन कैन बी होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, बिकमिंग द चरात्मा कारक इन योर चार्ट। जुपिटर आपका आत्मा कारक हो सकता है, ऐसा भी प्लेसमेंट होगा आपके चार्ट में, जुपिटर आत्मा कारक होगा या फिर सन चरात्मा कारक होगा। एंड या फिर सन एयर इज साइन में प्लेस हो, दैट कैन हैपन। सन लियो में प्लेस हो या सन फिफ्थ हाउस में प्लेस हो, ऐसी प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होंगी। बट या द सन हेयर शोज दैट योर सन इज गोना बी वेल प्लेस्ड। सन जब वेल प्लेस्ड होता है, एक पर्सन को डायरेक्शन होता है लाइफ में कि ऐसा करना और ऐसा नहीं करना, एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म होता है एक पर्सन में। तो आपके अंदर भी ये चीज होगी या फिर अभी आप ये चीजें महसूस करोगे अपने करियर में कि आपको ना, आपके पास एक डायरेक्शन है, आप डायरेक्शन लेस नहीं हो, आपके पास डायरेक्शन, आपको पता है ये करना है ये नहीं करना, और आपके एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म है। ऐसे ही नहीं कि जिस डायरेक्शन में लाइफ लेकर जा रही है, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो तो उन लोगों जैसे ही हो जाते हो आप। ऑफकोर्स संका रंग लगता है, बट एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म भी तो होता है ना एक पर्सन में, उसकी खुद की क्वालिटीज या उसकी खुद की नेचर भी तो होती है ना। तो हेयर आई सी विद द सन का आपका नेचर काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, आपका जो एक कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। आप जल्दी से दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेते हो, आप दूसरों को मैनिपुलेट कर लेते हो, पर आपको कोई करियर में, स्पेसिफिकली करियर में कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आपको सच और झूठ पता लग जाता है, कितना सच ये बोल रहा है पर्सन और कितना झूठ ये पर्सन बोल रहा है, कितनी ये फुकरी मार रहा है और कितना सच्ची बात ये पर्सन कह रहा है। तो ऐसा आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है को लेकर, आपका जजमेंट पावर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, स्पेशली इन योर करियर। तो आप करियर में धोखा नहीं खा रहे हो, ये यहां पर नजर आ रहा है। एंड आपको एक डायरेक्शन भी है कि मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। अगेन चैरिट शोज अ क्रॉस रोड, आपके पास चॉइस आने वाली है अपने करियर में कि मुझे ये पिक करना चाहिए, वो पिक करना चाहिए, और जो आप पिक करते हो अपने लिए, अपने लिए पाथ, दैट इज गोना बी योर पाथ, दैट इज गोना बी योर डेस्टाइंड पाथ। तो एट टाइम्स आप ये भी चीज देखो कि अब जो मैं पाथ अपने लिए पिक कर रहा कर रही हूं, ये शायद वो पाथ नहीं है जो मैं अपने लिए पिक करना चाहती थी कुछ साल पहले, बट सडनली आई एम पिकिंग अ पाथ विच आई नेवर थॉट आई एम गोना पिक। तो ऐसा सिचुएशन यहां पर डेफिनेटली नजर आ रहा है लाइफ। देन यहां पर कुछ और इंफॉर्मेशन, लाइक समथिंग एल्स फॉर यू पाइल नंबर वन अबाउट योर करियर एंड फाइनेंसेस। So we have the second house. Second house is of course resources, it's money. इस सजिटेरियस में भाग्योदय को शो करता है, लक एंड फॉर्चून को शो करता है। तो ये सब आप अपने करियर में फील करोगे, भाग्योदय एंड लक एंड फॉर्चून। एंड मनी वाइज सेकेंड हाउस ना सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है।
तो आई सी सेविंग्स इंक्रीजिंग. अगर आप खुद अर्न मनी करते हो तो आपकी सेविंग और इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है. अगर आपके परिवार में आप नहीं अर्न करते, कोई और अर्न करता, लाइक यू आर अ स्टूडेंट, यू डोंट रियली अर्न मनी, सो समवन इन योर फैमिली इज एबल टू सेव वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, बहुत अच्छा खासा मनी वो सेव कर पा रहे हैं, उनके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, आपके परिवार के रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन हियर. सेकेंड हाउस ऑल्सो शोज कि इफ यू आर इन फैमिली बिजनेस, क्योंकि सेकेंड हाउस फैमिली कुटुंब को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फैमिली का फैमिली बिजनेस है तो उसमें बहुत अच्छा चल रहा है, फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मनी बहुत अच्छा अर्न हो रहा है उस फैमिली बिजनेस से. देन वी हैव सडन वेल्थ. सो सडनली अनएक्सपेक्टेड वे से वेल्थ आती हुई नजर आ रही है, मनी आता हुआ नजर आ रहा है. एंड इवन जैसे यहाँ पर भी नंबर 11 है और यहाँ पर भी 11th हाउस है, जो 11th हाउस है वो मनी को, इनकम को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर भी सडन वेल्थ यही शो कर रहा है दैट सडनली न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम आर बीइंग क्रिएटेड, सडनली न्यू सोर्स ऑफ इनकम बन रहे हैं. और जब ये सोर्स ऑफ इनकम बने तो आप 777 बहुत बार देखो, मतलब नंबर 7 स्पेसिफिकली नंबर 7 आप बहुत बार देखो, लाइक इट्स मतलब समवेयर यू नो एट प्लेसेस यू आर सीइंग 7 अलॉट. जब भी आप घड़े की तरफ देखो तो या तो 7 बजे या फिर कुछ 7 मिनट्स हुए हैं समथिंग, तो आप मतलब नंबर 7 बहुत ज़्यादा देखो जब आप सडन वेल्थ आपको मिलने वाली हो. देन वी हैव द कार्ड ऑफ इम्प्रिजनमेंट. आई सी द लॉक हेयर, आई सी द माउस हेयर. सो ऑफ कोर्स अगेन आई सी सन इज गोना बी क्वाइट प्रोमिनेंट इन योर चार्ट, बिकॉज अगेन सन लियो रूल करता है साइन, और लियो में मागा नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, जो कि रैट रूल नक्षत्र है. तो आपके लियो साइन में प्लैनेट्स काफ़ी प्लेस हो सकते हैं, 5th हाउस में प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकते हैं, माघा पूर्व फाल्गुनी इवन उत्तर फाल्गुनी में प्लैनेट्स प्लेस्ड हो, ऐसा यहां पर इंडिकेशन है. बट यस, विद द इम्प्रिजनमेंट कार्ड एंड विद द सेकंड हाउस कार्ड, आप जल्दी से मनी खर्च नहीं करते हो, आप मनी सेव करते हो, ताला लगा के रखते हो अपने पैसों को, आप जल्दी से मनी स्पेंड नहीं करते हो. मे बी यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी इन समथिंग बिग, ऑल राइट, एंड दैट्स व्हाई यू आर सेविंग द मनी. तो सेविंग्स फाइनेंसेस यहां पर बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हो नजर आ रहे, नए सोर्सेज ऑफ इनकम बन रहे, और साथ में उस मनी को आप सेव कर पा रहे हो. एंड आई ऑल्सो फील पाइल वन दैट यू मे नॉट हैव सो मच ऑफ टाइम टू स्पेंड योर मनी, क्योंकि आप इतना ज्यादा बिजी हो अपने लाइफ में, बिजी हो अपने करियर में. सो दिस इज ऑल्सो द इंडिकेशन. आई सी विद द सेजिटेरियस साइन मेनी ऑफ यू कैन गो टूवर्ड्स हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग, मे गेट अ कोर्स डन. तो अगर आपका ये मन में सवाल था क्या मेरे को ये कोर्स करना चाहिए, क्या मुझे बैक टू एजुकेशन जाना चाहिए, तो आपके लिए गाइडेंस है. यू शुड गेन हायर नॉलेज, हायर विजडम, यू शुड गेन मोर इन्फॉर्मेशन, यू शुड डिवेलप सम न्यू स्किल्स, ये भी आपके लिए इंडिकेशन है. सन कार्ड अगेन शोज दैट यू आर बिकमिंग द अथॉरिटी, या जो आपकी लाइफ में अथॉरिटीज है, बॉसेस है, प्रोफेसर्स, टीचर्स है, वो आपका साइड ज्यादा लेते हैं, आपको फेवर ज्यादा करते हैं, या फिर यू अगेन बिकम द अथॉरिटी, यू बिकम द प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट. सो या एंड हेयर वी सी परफेक्शन. आप एक परफेक्शनिस्ट भी नजर आ रहे हो, रिकोगनीशन भी आपको मिल रहा है. वैसे रिकोगनीशन ना 11th हाउस नहीं शो करता है, 10th हाउस रिकोगनीशन शो करता है, बट दिस कार्ड सेज रिकोगनीशन एंड परफेक्शन. सो येस, यू कैन इवन गेट रिकोगनाइज, इवन सन फेम देता. तो आपके कार्ड्स में यहाँ पर यह भी शो रहा है, काम की वजह से, आपके कर्म की वजह से फेम मिल रहा है. सन जुपिटर का कंजंक्शन आपके चार्ट में हो सकता है, जुपिटर जुपिटर सन ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है. लेट्स से जुपिटर इज इन द असेंडेंट, तो सन आपका 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो, ऐसा इंडिकेशन हो सकता है, मतलब ऐसा प्लेसमेंट आपके चार्ट में हो गया है, सन जुपिटर कंजंक्ट हो, विच ऑल्सो शोज दैट योर फादर इज गोइंग टू बी वेल रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, विल बी फेमस इन हिज कम्युनिटी, फेमस इन द सोसाइटी. यू आर ऑल्सो गोना गेट फेमस इन योर कम्युनिटी, इन सोसाइटी, वेल रिस्पेक्टेड इन कम्युनिटी एंड सोसाइटी. इट शोज योर फादर कैन बी अ डिवोटी ऑफ शिव और भैरव, एंड वेन यू वर्शिप शिव ऑल योर ऑब्स्टिकल्स गोज अवे, they are taken care of, and it shows that you can meet your spiritual guru in life through your father or through some authoritative figure in your life. You can meet people and you can meet people who are working high up in the government, high up in some corporation, like IAS, IPS officers, and somehow those guys help you out in life. Agar aisa Jupiter Sun ka conjunction hai chart mein, Jupiter ya Sun trine from each other hai aapke chart mein, waisa aisa indication hoga, matlab aisa placement aapke birth chart ya D12 ya D9 Navamsa chart mein hoga. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें पाइल नंबर 1, सो आई विल से कि
जो आपका सन मून राइजिंग आत्मा कारक है, एसेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड है, वो सेकंड हाउस या साइन ऑफ टॉरस, साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ लियो या सेजिटेरियस या एक्वेरियस में प्लेस्ड होगा. सो एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, टॉरस में वी हैव कृतिका स्पिल्स इन द साइन ऑफ टॉरस, रोहिणी मृगसेरा, और फिर लियो में माघा पूर्व फल्गुनी उत्तर फल्गुनी, फिर सेजिटेरियस में मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तरा अषाढ़ा, एक्वेरियस में धनिष्ठा सतभिषाक एंड पूर्व भद्रपदा. तो इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस होंगे D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में. सो यार दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल वन. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली, एंड ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग, एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, आई डू एस्ट्रो टैरो रीडिंग एंड नक्षत्र कुंडली रीडिंग. यू कैन बुक योर सेल्फ फॉर रीडिंग फ्रॉम अ वेबसाइट. द लिंक टू माई वेबसाइट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस ब्रेसलेट, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number one. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो पाइल नंबर टू. सो दिस इज योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल बिकॉज आपका बर्थडे 3rd, 12th या फिर 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या फिर 31 इन डेट्स में से किसी एक डेट में आपका बर्थडे आता है किसी मंथ में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. इट ऐसा ईजी हो जाता है पाइल पिक करना. आई नो, आई अंडरस्टैंड ऑल द टाइम आवर इंट्यूशन डज नॉट रियली वर्क. सो yep, that's why we chose this way of picking a pile. So pile number two, your career expectations, path ahead, finances. Kya aap expect kar sakte ho in your career? Pile number two. Okay, we have six of wands. Some unexpected help is coming to you. कुछ और भी हम कार्ड्स पुल करते हैं टू गेट मोर क्लैरिटी अबाउट दिस. वी हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि हार्ट ब्रेक से हीलिंग को शो करता है. कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई एंड आपको बहुत बुरा लगा एंड नाउ यू आर हीलिंग फ्रॉम दैट. एंड वी हैव एट ऑफ वॉन्ड. इट शोज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कमिंग इन फॉर यू, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, एंड यू आर ओवरवेल्म्ड बट एट द सेम टाइम क्वाइट हैप्पी. वी हैव सिक्स ऑफ कप्स. अगेन इट शोज अनएक्सपेक्टेड हेल्प जो शायद आप लेना ना चाहो. लाइक दिस पर्सन इज लाइक स्टॉपिंग दिस पर्सन, प्लीज मेरे पास बहुत सारे फ्लावर्स है ऑलरेडी, आई डोंट वॉन्ट मोर. सो बट लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव दिस पर्सन फ्लावर्स. जब हम किसी को फूल देते हैं, किसी को फ्लावर्स देते हैं, इट्स अ जेस्चर ऑफ लव, फ्रेंडशिप एंड दैट हे आई एम देयर फॉर यू. सो I see with the six of cups that someone is giving you help. Even six of coins भी जो है एक unexpected help को represent करता है. और ऐसी help जो शायद आप लेना भी चाहो, but then again there is some other help coming which you may not want to take. But yeah, आप अपने career में ये चीज़ देखोगे pile number two की, लोग suddenly आपका take care कर रहे हैं. आपके bosses या आपके co-workers या आपके classmates या आपके teachers, professors, suddenly you know like out of nowhere they are helping you out. Even जो लोग आपको criticize करते हैं, जो लोग आपको बहुत push करते हैं career में, somehow उनसे आपको बहुत मदद मिल रही है. उनसे आपको एक motherly love या एक बहुत अच्छे दोस्त का संबंध आपका उनसे बन रहा है. So like somehow उनके साथ relationship बहुत improve हो रहा है. वो आपको help कर रहे हैं, help करना genuinely. Again genuinely वो आपको help करना चाहते हैं, आपकी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, आपके करियर को बेटर बनाना चाहते हैं. आई सी दिस. द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर शोज कि अगर किन्हीं लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप अपने करियर में बहुत अच्छा नहीं था, तो समहाउ वो रिलेशनशिप हील हो रहा है. लाइक फोर ऑफ स्वॉर्ड्स डज शोज हीलिंग. मे बी किसी ने आपको कोई ऐसी बात कही थी जो आपको बहुत ज़्यादा दिल पर लगी थी और बहुत बुरा आपको अगेन लगा, बट फाइनली वो पर्सन से समहाउ आपकी सुलह हो गई है. वो पर्सन ने आपसे माफ़ी मांग लिया है. दे स्टार्टेड टू डू गुड थिंग्स फॉर यू. अगर आपको अपने करियर में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको कोई स्कैंडल हुआ, यू नो आपके करियर में अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ जिसकी वजह से आप पर सारा ब्लेम आ गया, तो फाइनली ट्रूथ इज कमिंग आउट. सम काइंड ऑफ ट्रूथ इज कमिंग आउट जिससे आपका करियर, आपका लाइफ, आपका वर्क प्लेस पर रेप्यूटेशन अच्छा होना,
ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है. एट ऑफ वॉन्ड्स अगेन इज गिविंग मी दिस मैसेज, लॉट ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग. एंड इफ यू वर लाइक दिस पर्सन हु वॉन्टेड टू गेट अ जॉब, वॉन्टेड टू गेट अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम, या आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, सडनली क्लाइंट्स आना आपके पास शुरू हो जाए. जॉब में हो तो अगर जॉब चाहते हो, अभी जॉब नहीं कर रहे हो, आपको जॉब चाहिए तो सडनली आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाए. एक नहीं, दो नहीं, पर कई सारे कंपनीज से आपको ऑफर्स आए, ये यहाँ पर शो रहा है. एंड यू आर फीलिंग ओवरवेल्म, यू आर फीलिंग हैप्पी दैट फाइनली पीपल वॉन्ट मी, पीपल वॉन्ट टू वर्क विद मी. तो ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है सिचुएशन. एंड आई फील अगर आप बिजनेस में, तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जल्दी ही, यानी एट डेज, विद इन एट डेज या विद इन एट वीक्स आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, और आप सभी अपॉर्चुनिटीज को इनफैक्ट ग्रैब कर रहे हो. एक भी अपॉर्चुनिटी को, एक भी क्लाइंट को वापस नहीं जाने दोगे आप, उनका काम जरूर करोगे, और बदले में ऑफकोर्स आपको मनी भी बहुत अच्छा मिलेगा. लाइक सिक्स ऑफ कॉइन शोज की जेनरस लोगों से आप मिलोगे अपने करियर में, ऐसे लोगों से जो आपको अपना डिजायर्ड मनी देना चाहते हैं, मतलब जो आपका काम है उस अकॉर्डिंग आपको ये मनी देंगे. आपसे वो नेगोशिएट नहीं करेंगे मनी के मामले में, है ना, बार्गेनिंग नहीं करेंगे कि भाई इतने में कर दो प्लीज, ऐसा नहीं कहेंगे. वो आपको अपना डिजायर्ड मनी देंगे, आपके काम का वैल्यू यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है. एंड देर ऑल्सो बी इमोशनली वेरी हैप्पी टू वर्क विद यू और टू गेट वर्क डन फ्रॉम यू. सो ये यहाँ पर करियर में होता हुआ नजर आ रहा है. लेट्स गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन पाइल नंबर टू अबाउट योर करियर, अबाउट योर फाइनेंसेस. एंड यस, विद द सिक्स ऑफ कॉइन्स एंड ऑल्सो विद द सिक्स ऑफ कप्स कार्ड हियर, इट गिव्स मी दिस मैसेज कि जो मनी है वो बहुत अच्छा अर्न कर पा रहे हो. मनी आप बहुत अच्छी जगह पर इन्वेस्ट भी कर सकते हो. यू आर पेइंग योर लोन्स, आई सी. अगर आपके ऊपर बहुत सारे लोन्स थे, वो लोन्स आप पे ऑफ कर पा रहे हो. एंड आई फील दैट यू कैन ऑल्सो स्पेंड योर मनी ऑन योर फैमिली. अपने ऊपर शायद इतना मनी ना खर्च करो, बट फैमिली के ऊपर मनी खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, बट सेव भी कर रहे हो. देन वी हैव पोर्टल, इट सेज चेंज, गेटवे, न्यू बिगिनिंग्स. तो यस, करियर में नई शुरुआत हो रही है, नई बिगिनिंग्स है. इट शोज कि इवन जो नए लोगों से आप मिल सकते हो, और ओल्ड और जो आपके ओल्ड कलीग्स थे, जो पुराने आपके क्लासमेट्स थे या कलीग्स थे या बॉसेस थे, उनके साथ भी एक नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है. न्यू बिगिनिंग्स उनके साथ भी हो रहे हैं, और अगेन नए लोगों से आप अपने करियर में मिलोगे, उनके साथ आप काम करोगे. आई सी की चेंज है करियर में, कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है. So this is happening. You're going to a new company or you're going to a new university or college. This kind of situation can even happen. Then we have the pentagram. It says protection, balance and unity. So yes, unity is coming in. If you were working in a group, तो उस ग्रुप में आप बहुत अच्छे से फिट इन होते हो नजर आ रहे हो. आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी में बहुत अच्छे से फिट इन होते हो नजर आ रहे हो. जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो उस यूनिवर्सिटी कॉलेज के ग्रुप में फिट इन होते हो नजर आ रहे हो. समहाउ उनके साथ आपका यूनिटी बहुत अच्छा है, और आप बहुत अच्छे से अपना काम बांट लेते हो, और हर कोई अपना बेस्ट करता हुआ, बेस्ट देता हुआ नजर आ रहा है. एंड आई सी के एक बैलेंस्ड लाइफ आप जी रहे हो अपने करियर में. सोशल लाइफ आपका अच्छा है, जैसे वी आर गोइंग टू द ऑफिस, है ना, हमें काम भी अच्छे से अच्छा करना है, हमें सभी के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा चाहिए, सुख शांति वाला चाहिए, ना कि प्लानिंग प्लॉटिंग वाला करना है हमने ऐसा सभी के साथ. ऐसा कोई नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा हो. तो एक बैलेंस्ड आपका वर्क नजर आ रहा है, बैलेंस्ड वर्क लाइफ नजर आ रही है. मतलब अगेन आपका रिलेशनशिप अपने बॉसेस को वर्कर्स के साथ अच्छा है, साथ में काम भी आपको अच्छा लग रहा है, काम में आपको ज्यादा जोर नहीं आ रहा है, काम बढ़िया चल रहा है. सो दिस इज also what we see. Something more. So we have relaxation. So yes, this person is reading a book for relaxation, and for it can be even fictional book. So I see you guys reading a book in your leisure time. Yes, आपने अपने फोन से अपना ध्यान हटा लिया है, एंड यू फाइनली बॉट सम बुक्स, और आप उन पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो.
मे बी इट कैन हैपन कि सुबह उठते ही आप अपना फोन उठा लेते हो हाथ में एंड नाउ यू वॉन्ट टू स्टॉप दिस हैबिट ऑफ योर्स. तो इस वजह से आप बुक उठा लोगे अपने हाथ में और उसे सुबह रीड करोगे. इट कैन बी अ फिक्शन बुक, इट कैन बी ए बुक जो लाइफ को बेटर कर सकती है. यू नो, ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता सकते हो बुक्स की, जिससे हम अपनी लाइफ कैसे हम अपनी लाइफ को बेटर करें, ऑल दैट. और आपको बड़ा रिलैक्स्ड फील होता है बुक्स पढ़ते हुए. और रिलैक्सेशन का कार्ड है तो ये शो करता है, करियर में कार्ड है तो करियर में एक रिलैक्स्ड बैलेंस्ड टाइम चल रहा है. बट आई स्ट्रांगली फील दैट यू आर बाइंग बुक्स. इवन दो दिस कार्ड इज ऑफ रिलैक्सेशन, बट आई स्ट्रांगली फील कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ने वाले हो अपनी लाइफ में, जो आपके शायद करियर को भी बेटर करती है. आप कुछ ऐसा बुक्स पढ़ रहे हो जो आपके करियर रिगार्डिंग बहुत अच्छा, आपके स्किल्स को और इम्प्रूव करें. बट इट कैन इवन बी अ फिक्शन बुक जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, जिससे यू गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक एंड यू फील गुड, यू फील रिलैक्स्ड, यू फील हैप्पी. तो ऐसा एक बैलेंस्ड लाइफ भी आप जीते हो नजर आ रहे हो. फोन पे अपना टाइम स्पेंड करना आप कम कर रहे हो बिकॉज यू रियलाइज इट्स नॉट गुड फॉर यू. सो स्पेंडिंग टाइम विद गुड बुक्स, गुड कंपनी. देन वी हैव द यूनिकनेस कार्ड, यूनिक परफेक्ट सेल्फ ऑनर. तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपको ऑनर मिल रहा है अपने काम के लिए, रिकग्निशन मिल रहा है अपने काम के लिए. आप एक इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअलिज्म आपके अंदर ज्यादा आ रहा है और इंडिविजुअलिजी, ओ माई गॉश, टुडे आई जस्ट कांट स्पीक, इंडिविजुअलिजी. सो एज आई वाज सेइंग, एज एन इंडिविजुअल आपको रिकग्निशन मिल रहा है. अगर आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट में थे तब भी एज एन इंडिविजुअल आपको रिकग्निशन मिलेगा बिकॉज ऑफ योर यूनिक एंड परफेक्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स और योर परफेक्ट वर्क. पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू. आई सी द रेनबो एंड आई सी द लाइट हाउस एज वेल. जैसे लाइट हाउस शिप्स और प्लेन को लाइट देता है, डायरेक्शन देता है, उसी तरह यू स्टार्ट टू गिव लाइट एंड डायरेक्शन टू अदर पीपल. यू बिकम अ वेरी गुड लीडर, प्लस यू आर ग्रैबिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, ग्रेट वर्क अपॉर्चुनिटीज. इवन जैसे अगर आप एजुकेशन में हो तो आप ये चीज अंडरस्टैंड कर पाते हो कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनको मुझे जरूर जरूर प्रिपेयर करके जाना है. आई फॉर डिटेल यहाँ पर नजर आ रही है. यू विल ऑल्सो रियलाइज कि ना, जैसे आप, जैसे कोई सवाल आया आपके क्वेश्चन पेपर में, अब आपको पता है ये क्वेश्चन कौन से पेज से आया. इवन यू विल रिमेंबर कि वो लेफ्ट पेज से था या राइट पेज से था, मतलब कौन से चैप्टर में वो कौन सी लाइन या कौन सा पैराग्राफ था, मतलब इतना वो मेमोरियां शार्प होता हुआ नजर आ रहा है. ऐसा लाइक यू विल फील दिस बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट इट. आई रिमेंबर कि मैं कोई एग्जाम दे रही थी, इट वॉज माई बायोलॉजी एग्जाम बैक इन माई स्कूल डेज, एंड मैंने इतना अच्छे से उसका प्रिपरेशन करा था कि जब वो कोई क्वेश्चन आया ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 5-10 मार्क्स का, इतना मार्क्स का होता है, तो उसके अंदर आई रिमेंबर कि अरे ये वाला क्वेश्चन उस पेज से है और वो पेज ये लेफ्ट वाला पेज था और ये वाला पैराग्राफ था. लाइक उस तरह का जो फोटोग्राफिक मेमोरी है, लाइक यू विल हैव दैट. इट सेज दिस, लाइक द यूनिकनेस शोज दिस. And you have duality. It says duality, self-awareness, observe, release. So I feel that Gemini sign can be quite prominent in your chart. Gemini is a dual sign, especially one of the finest dual signs. So you can have sun, moon, rising, Atmakarka, Senator, Ascendant, Lord, you have a planet zarur plays over Gemini sign mein. And Gemini, again, this duality card also shows many of you are changing your physical appearance. Or are changing your, again, your hairstyle, your looks, your dressing sense, and even your way of talking, way of working. In sabhi mein change aa rahe hain. Ye change aap sach mein matlab conscious way mein hokar in changes ko lekar aaye, and ye naturally ye change aaye aapke andar. Gradually, naturally ye change aapke andar aaye. But you are changing, you're evolving into a better human being in your, like your work. The way you do your work, the way you prepare yourself for important tasks or important meetings या important exam, मतलब जिस तरह से आप preparation कर रहे हो अब, या जिस तरह से आप खुद you know physically prepare होके जा रहे हो, आपका hair style, आपके way of you know walking and talking, everything is getting changed. और रिन्यू होते हुए नजर आ रहे हो, ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं. एंड ऐसी कि आप कोई भी भूल चूक नहीं करते हो, आप बिल्कुल
परफेक्ट वे में प्रिपेयर करके जाते हो अपने आप को। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो आप 100 टाइम उसको चेक करोगे, मतलब बहुत टाइम उसे चेक करोगे, ये करोगे कि भाई बस सारे पेपर वर्क कंप्लीट है, कुछ भी इसमें इनकम्प्लीट नहीं रह गया। आप उसे मल्टीपल टाइम्स चेक करोगे और उसके बाद उसे सबमिट करोगे। तो कोई भी ये ना रह जाए एंड मोमेंट पर कि ये चीज़ इनकम्प्लीट है, वो चीज़ इनकम्प्लीट है, मतलब देर इज नो मार्जिन फॉर एनी फॉल्ट आपकी तरफ से। सो दिस काइंड ऑफ परफेक्शन इज कमिंग इन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस एस्ट्रोलॉजी डेक से क्या इंफॉर्मेशन, ओ माय गॉड दीज आर सो मेनी कार्ड्स। इस एस्ट्रोलॉजी डेक से क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 2 के लिए? ओके, आई फील these two cards also want to come out. So we have Aries sign. You know, literally Aries sign, जब मैं इसकी बात कर रही थी ना कि physical appearance का change होना, आपके चलने फिरने के एक एक बाउंस होता है ना जो हम चलते हैं कई बार, तो उस चलने फिरने के बाउंस में even जैसे पेपर वर्क वो सबमिट करना है तो सारा पेपर वर्क 100 टाइम्स चेक करना है, एटलीस्ट 10 टाइम्स चेक करना कि कुछ रह तो नहीं गया इनकम्प्लीट। सो वो एरीज काइंड ऑफ नेचर है, क्योंकि एरीज में जैसे भरणी नक्षत्र आता है, तो अगर कोई आपका प्लैनेट भरणी में है, आपका मून सन या आपका आत्माकार का भरणी में, लेट्स से वीनस की अंतरदशा महादशा पर रन कर रहे हो, या जो प्लैनेट भरणी में प्लेस्ड है उस प्लैनेट का आप विमशोत्री दशा में दशा रन कर रहे हो, तो देयर हाई चांसेस कि एन मोमेंट पर आपका काम रुक जाए। तो आप फिर इस भरनी टाइम पीरियड में मेक श्योर करोगे कि मैं 10 टाइम्स 20 टाइम उस चीज़ को चेक करके जाऊं। लाइक लेट्स से यू आर ए लॉयर और आपका कोर्ट में डेट है, एंड जब आप कोर्ट रूम में पहुंचने वाले होते हो तो यू रियलाइज दैट माय विटनेस गॉट मिसिंग या सम पेपर वर्क इज़ नॉट विद मी, ऐसा सिचुएशंस आपके साथ होने लग जाए। बट फाइनली अब ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ये यही शो कर रहे हैं कि वो सिचुएशंस नहीं होगी, क्योंकि आप 10 टाइम्स एटलीस्ट 10 टाइम्स 100 टाइम्स चेक कर सकते हो बिफोर प्रेजेंटिंग समथिंग और सबमिटिंग समथिंग। और एरीज अगेन हमारी फिजिकल बॉडी का सिग्निफिकेटर है, तो आपका फिजिकल बॉडी में भी चेंज है, मे बी ये भी चेंज आ सकता है फिजिकल बॉडी में, सडनली यूर फीलिंग मोर एनर्जेटिक, यूर सडनली मोर एग्रेसिव टूवर्ड्स योर वर्क, मोर लाइक वेरी सीरियस अबाउट योर वर्क। सो ये सिचुएशंस यहाँ पर हैं। देन वी हैव एक्वेरियस कलैबोरेट। सो पाइल नंबर 1 में भी ना एक्वेरियस का कार्ड आया था बट फ्रॉम अ डिफरेंट डेक। लेट मी शो यू ये, यस 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 यस, ये रहा 11th हाउस। 11th हाउस ऐसे ये पाइल नंबर 1 का कार्ड है। 11th हाउस इज बेसिकली साइन ऑफ सजिटेरियस ओनली। सो या ये पाइल नंबर 1 अगेन, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, हम सारे एक सेम फ्रीक्वेंसी पर है, 19-21 का फर्क है, दैट्स इट, बट वी आर लिटरली ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी ऑल ऑफ अस। अब हर ओशन की ड्रॉप एक अलग ड्रॉप तो नहीं होती है, ओशन की हर एक ड्रॉप सिमिलर होती है, एक ओशन की ड्रॉप दूसरी ओशन की ड्रॉप से कहे कि मैं तुमसे अलग हूँ तो ऐसा तो नहीं हो सकता। वी आर ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एनर्जी। सो एक्वेरियस कलैबोरेट को शो कर रहा है। एक्वेरियस कार्ड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ग्रुप्स का सिग्निफिकेटर है, तो आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ग्रुप्स के पार्ट बनते हुए नजर आ रहे हो, लार्ज कॉरपोरेशंस के पार्ट बनते हुए नजर आ रहे हो, और आप कोलैबोरेट करते हुए नजर आ रहे हो दूसरों के साथ। इवन इफ यू आर ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम, तो आप किसी और इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करो, दैट कैन हैपन, बट कोलैबोरेशंस में, ग्रुप्स में आप काम करते हुए नजर आ रहे हो, सो दिस इज हैपनिंग, और बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, बिग प्रोजेक्ट्स। देन वी हैव केप्रिकॉर्न, इट सेज अचीव। केप्रिकॉर्न इटसेल्फ इज द साइन ऑफ योर ऑफिस प्लेस, कर्म क्षेत्र को शो करता है केप्रिकॉर्न, आपके कर्मों को शो करता है केप्रिकॉर्न, आपके बॉसेस, आपका रेप्यूटेशन क्या है सोसाइटी में उसको शो करता है। सो विद द केप्रिकॉर्न एंड अचीव, यहाँ पर अचीव लिखा हुआ है, तो यू आर अचीविंग अ वेरी गुड नेम एंड फेम फॉर योर सेल्फ एट योर वर्क प्लेस। आपका रिकग्निशन, आपको लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं अपने वर्क के लिए, आप बहुत हार्ड वर्किंग नजर आ रहे हो। अगेन एक सेट्रेनियन साइन है, एक्वेरियस और केप्रिकॉर्न दोनों ही सेट्रेनियन साइन है, सो सैटर्न इज ड्यूटी कमिटमेंट सेक्रीफाइस स्ट्रक्चर,
इट शोज वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स. तो ये सब आप करते हुए नजर आ रहे हो. यू आर बिकमिंग द सैटर्न. योर सैटर्न कैन लिटरली बी डेबिलिटेटेड इन एरीज, कैन बी प्लेस्ड इन एरीज साइन, और कैन बी प्लेस्ड इन योर सैटर्न कैन बी प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस. या सैटर्न आपके 10th हाउस में प्लेस्ड है, या सैटर्न आपके 11th हाउस में प्लेस्ड है, सैटर्न आपके एरीज केप्रिकॉन या फिर एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड हो. ऐसी प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में हो सकती है पाइल नंबर 2. And I see with the, of course, achieve card, you're achieving something in career, some good news in career is coming to you. आप कोई बहुत अच्छा position आपको मिल रहा है, या एक promotion आपको मिल रहा है, कुछ बड़ा आप achieve करते हो नजर आ रहे हो. And you're going to be really happy about it. Plus आपका reputation बहुत अच्छा है. Again, bosses and co-workers are suddenly, they have started to take care of you. और अब ये समय आ चुके कर्म करने का. If you were someone, if you are a student, then also you can earn money. इन दिस टाइम पीरियड, मतलब अभी जल्द ही विद इन अ मंथ और सो यू विल स्टार्ट टू गेट वर्क अपॉर्चुनिटीज. आप खुद अर्न भी कर सकते हो. इवन एज अ स्टूडेंट यू कैन स्टार्ट अर्निंग. अगर आप काफी समय से जॉब चाहते थे और आपको जॉब नहीं मिल रही थी, तो विद इन 8 days या विद इन 8 weeks आपको जॉब्स मिलेंगी. कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज, वर्क अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी. बिजनेस में हो तब भी वर्क अपॉर्चुनिटीज, न्यू क्लाइंट से आप मिलोगे, और आप काम करते हुए, दिल लगाकर काम करते हुए नजर आ रहे हो, जिससे आपको बहुत अच्छा इनकम भी जनरेट होगा. क्योंकि एक्वेरियस इनकम को भी रिप्रेजेंट करता है. केप्रिकॉन के बाद एक्वेरियस आता है. केप्रिकॉन कर्म है, करियर है, तो कर्म करने के बाद जो फल है वो एक्वेरियस है. यानी इनकम जो आप जनरेट करते हो वो एक्वेरियस है. तो बहुत अच्छा इनकम यहाँ जनरेट करो. लाइक दिस पर्सन इज गिविंग दिस वाटर इन द कप. इस वास से ये वाटर आ रहा है. द वास इज सो बिग. और जो ये ऐसा ये बाउल सा ये छोटा है, फिर भी लाइक पीपल वॉन्ट टू गिव यू गुड अमाउंट ऑफ मनी. वो आपसे नेगोशिएट नहीं करेंगे, वो आपसे बार्गेनिंग नहीं करेंगे, वो आपको पूरा आपका मनी देंगे. सो ऐसा आपको बहुत अच्छा मनी मिल रहा है अपने क्राफ्ट की वजह से, अपनी वर्क की वजह से. एंड यू आर गोना बी सैटिस्फाइड विद इट. तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 2. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ एरीज केप्रिकॉन एक्वेरियस एंड ऑल्सो द साइन ऑफ लीब्रा वेयर सैटर्न गेट एग्जॉल्टेड एंड द साइन ऑफ साइन ऑफ कैंसर एज वेल सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. केंद्र के तो सारी साइंस हो गए, एरीज कैंसर लीब्रा केप्रिकॉन केंद्र के तो सारी साइंस हो गए. सो या एरीज कैंसर लीब्रा केप्रिकॉन एक्वेरियस एंड इवन पाइसिस विल बी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट. यानी इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, फिर कैंसर में वी हैव पुनर्वासु पुष्य श्लेषा, लीब्रा में चित्रा स्वाति विशाखा, इवन स्कॉर्पियो साइन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. क्योंकि चेंजेस भी यहाँ पर आ रहे हैं, चेंज का कार्ड यहाँ पर है. सो स्कॉर्पियो में अगेन विशाखा स्पिल करता है, अनुराधा ज्येष्ठा. फिर केप्रिकॉन में उत्तराषाढ़ श्रावण धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है. एक्वेरियस में सतभिषाक एंड पूर्व भद्रपदा, फिर पूर्व भद्रपदा स्पिल करता है. पाइसिस में उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस इन नक्षत्र में आपके सन मून राइजिंग आत्मकार का सेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस्ड होगा इन द D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग. एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are cleansed energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now I'm wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose this pile क्योंकि आपका birthday 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या फिर 30 इन डेट्स में से किसी एक डेट पर आपका birthday आता है. So let's get started with your reading. So your career expectations, your path ahead, finances, क्या यहाँ पर आप expect कर सकते हो near future में, क्या expect कर सकते हो अपने career में, अपने करियर पाथ में. व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, व्हाट कैन पाइल नंबर 3 एक्सपेक्ट. ओके, सो वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. पाइल नंबर 3, आई सी के पीपल प्लीजिंग इज नॉट गोना वर्क. आई सी दैट यू विल
choose the rebellious path. Let's get some more info. We have the Two of Cups. Oh, you're going to find friends in your rebellious path as well. Like-minded community se aap miloge. Then we have the Page of Swords. It shows competitions and challenges. And end of the deck, we have Wheel of Fortune. Pile number 3, you're breaking the rules. You're breaking the regulations. You're rules regulations ko break kar rahe ho. Nye rules regulations apne liye create kar rahe ho. Phir shayad usko bhi aap break kar do. I see you are breaking the pattern now. You're breaking the cycle now. Jo aapka ek toxic cycle, toxic pattern chal raha tha apne career ko lekar. Wo finally ab aap end kar rahe ho. And somehow you have stopped doing people pleasing because you realize ki people pleasing se bhi koi फायदा हो नहीं रहा है. तो आप हिट एंड ट्राई मेथड्स यूज कर रहे हो कि कोई तो मेथड जो है मेरा सक्सेसफुल हो और मेरी लाइफ बेटर हो. आई सी पाइल नंबर 3, यू डू गेट डीपली अफेक्टेड बाय अदर पीपल्स ओपिनियन, अदर पीपल्स वर्ड्स. मतलब कई लोगों का जो लैंग्वेज होता है वो बड़ा रफ होता है. वो बात बड़े आराम से भी कह सकते थे और रॉयल शब्दों में वो बात कह सकते थे जिसे कोई कम समझ वाला है ना, हम कह देते इसमें थोड़ी समझ कम है. बट कोई एक रफ लैंग्वेज वाला पर्सन होगा वो कहेगा ये तो मूर्ख है या ये तो बुद्धू है ना. बट उसको थोड़ा हम एक रॉयल लैंग्वेज में कहे, आराम से कहे, तो हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा समझने में टाइम लेता है, थोड़ा टाइम लेते हैं, ये धीरे धीरे समझ जाता है. पर हम ऐसा भी कह सकते हैं, है ना. समहाउ यू मे कम अक्रॉस विद पीपल और यू आर ऑलरेडी विद पीपल. You're already with such people who are quite rough with their communication. And it kind of hurts you. You don't like the way they talk or you don't like the way they communicate with you. And they somehow can criticize you as well. So, career mein aap kuch aise logo se mil rahe ho, ya career mein aap toxic environment se deal kar rahe ho, toxic logo se deal kar rahe ho, toxic bosses se deal kar rahe ho. And somehow wo log aapka credit of work bhi le jaate hai. Kaam aapne kara, credit unko mil raha hai. You somehow can be in this situation. Yeah, basically, एक unhappy situation जो है ना ये five of swords show करता है कि भाई आप दूसरों को खुश नहीं कर पा रहे हो और आपने ठेका भी कहाँ लिया हुआ है. मतलब दूसरों को खुश करने का आपने ठेका नहीं लिया, but still you want कि लोग मेरे काम से खुश रहें. एंड एक human nature है कि हमें अपने काम का appreciation मिले, लोग हमें समझे, एक human nature है. But things are not working out. And now you have decided to rebel. Now you have decided to do what you feel is good for you. You have developed a backbone. You are developing a character now. So, jo aapka inner nature hai, now you are going to show that. And kyunki aapne nice banke dekh liya hai, nice banke not so nice logo se aap mil chuke ho. And you realize that, okay, this is not my place. And it also shows with the five of swords, maybe you are not... Again, feeling like you belong to this place. है ना, आप कोई नई कंपनी में या जिस भी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, जो भी एजुकेशन में आप हो, somehow आपको ऐसा महसूस होता है इस करियर फील्ड के लोग ना मुझसे मैच ही नहीं करते हैं. ये लोगों का माइंडसेट ही बहुत डिफरेंट है. इन लोगों का पहनावा, चाल चलन मुझसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. इस काम में मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ. इस सिचुएशन से आप डील कर सकते हो. एंड देन फाइनली यू डिसाइड, ओके ओके, लेट मी गो इन माई वे एंड लेट देम गो इन देयर वे. हमारे रस्ते अलग अलग हैं तो वो अपने रस्ते जाए, मैं अपने रस्ते जाऊँ. एंड देन आप जब रास्ता अपना बदलते हो, थोड़ा करियर में बदलाव लेकर आते हुए नजर आ रहे हो, देन यू फील लाइक माइंडेड कम्युनिटी. देन यू फील लाइक दैट यू आर सराउंडेड विद लाइक माइंडेड कम्युनिटी. यू विल फील लाइक यू आर सराउंडेड विद योर काइंड ऑफ पीपल. आप जैसे लोगों से आप अपने आप को सराउंडेड महसूस करते हो. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो करता है कि फिर जब आप उस रस्ते पर पहुंच जाते हो जहाँ पर आपको महसूस होता है कि हाँ ये मेरा पाथ है और वो मेरा डेस्टिनेशन है और इस जर्नी पर मैं हूँ. जब यू स्टार्ट टू फॉल इन लव विद द जर्नी एंड द पीपल यू आर इन दैट जर्नी, है ना. एक जगह पर जा रहे हैं तो आप अकेले टूरिस्ट तो हो नहीं, और लोग भी हैं, तो आप उनके साथ एक पीस बना लेते हो जब, क्योंकि वो लाइक माइंडेड कम्युनिटी है. देन यू स्टार्ट टू डील विद ऑब्स्टिकल्स देयर, कॉम्पिटिशन्स देयर, हर्डल्स देयर, विच मेक यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. पेज ऑफ स्वॉर्ड गिव्स मी दिस मैसेज कि जल्दी आप कोई एग्जाम या अगेन कोई कम्पिटिटिव एग्जाम या कोई इंटरव्यू या बेसिकली कोई कॉम्पिटिशन से आप डील करोगे. एंड
व्हील ऑफ फॉर्चून उसके बाद में हमने देखा एंड ऑफ द डेक में कार्ड है जो कि शो करता है कि आप इस कंपटीशन हर्डल को चैलेंज को बहुत अच्छे से पास कर जाओगे, बहुत अच्छे नंबरों से पास कर जाओगे और अपने क्रिएटिव आइडियाज़ अपनी यूनिकनेस के थ्रू आप अपना ये टेस्ट या जो भी इंटरव्यू उसको क्लियर करते हो। एंड द गाइडेंस इज बी यू यानी जो आप हो वो आप दिखाओ, वो मत दिखाओ जो आप नहीं हो। कई बार हम दूसरे को भी कंफर्टेबल फील कराने के लिए अपना नेचर थोड़ा सा बदल लेते हैं, पर वो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। आप वो ही रहो या वो ही चीज़ें पिक करो जो आपको लगता है कि मुझे पसंद है। लेट्स से यू आर गोइंग ऑन अ डेट विद समवन एंड यू वांट टू लुक लाइक यू आर दिस पॉइस्ड इंडिविजुअल और दिस हाई क्लास पर्सन, बट आपका तो नूडल खाने का मन है या फिर बर्गर खाने का मन है एंड इट कैन गो मेसी वेरी क्विकली। सो नाउ यू आर थिंकिंग कि कुछ ऐसा लेती हूँ खाने में जो ईजी हो खाने में और मेसी ना दिखे, बट लाइक वेन यू नो ऑर्डर दैट डिश एंड यू स्टार्ट टू ईट इट, इट्स रियली बैड। So now if you don't eat that food, the other person is going to feel like you're wasting food. So aur hi bad impression pad jata hai. So like you do what you feel like is the best thing for you. Baki jo aap ho wo hi cheez dusre ko dikhao, apne aap ko badalne ki koi zarurat nahi hai. Ye strong guidance hai. Wheel of Fortune is giving me this message कि आपका जो learning habit है वो अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप learning habit आपके अंदर आ रहा है, मतलब right now it may feel like कि कोई habit ही नहीं है मेरे को तो learning की, मैं schedule में नहीं पढ़ती, मेरा ये schedule है ये पढ़ने का जो मैंने बनाया पर मैं schedule को follow नहीं कर पाता है कर पाती। तो finally the Wheel of Fortune is giving me this message कि आप उस लर्निंग स्केड्यूल को फॉलो कर पाओगे। एजुकेशन में आप बहुत थ्राइव करते हुए नजर आ रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं और आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स, आप उनको लंबे समय तक याद रखोगे और आप क्रैम करते हुए नहीं नजर आ रहे चीज़ें, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो अच्छे से और फिर आप उसको याद कर पा रहे हो। ये यहाँ पर इंडिकेशन है। समथिंग मोर अबाउट योर करियर, पाइल नंबर थ्री, क्या हम करियर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाथ अहेड। आई सी जर्नी, सो यस हम जर्नी की बात कर रहे थे, दैट यू आर ऑन ए जर्नी पाइल नंबर थ्री एंड देर अदर पीपल एज वेल जो इस जर्नी पर हैं आपके साथ और वो लाइक माइंडेड कम्युनिटी से अब आप ज़रूर मिलोगे। पर हाँ, जो अभी करंटली आप जहाँ पर हो वहाँ पर आप लाइक माइंडेड कम्युनिटी को शायद ना देखो, आप अपने से बहुत अलग लोगों को देखो and you will feel like that I don't belong here, you will feel this way, but finally फिर आप अपना direction बदलते हो, थोड़ा career में बदलाव लेकर आते हो, then you feel like minded community is with you, you will feel like that yes I belong here। आप यहाँ अभी currently बिल्कुल नहीं महसूस करोगे अपने career में कि I belong here, because you definitely don't belong where you are right now। And we have official person. So official person is giving me this message ki someone who is working high up in the government, high up in some corporation, they will somehow help you out. उन लोगों से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। और कोई this is also an information, कोई बहुत ही reputed university, college या बहुत ही कोई reputed कंपनी से आपको जॉब ऑफर आना या यूनिवर्सिटी कॉलेज में सीट मिलना, बहुत एक रेप्यूटेड कम्युनिटी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको एक पोजीशन मिल रहा है ये नज़र आ रहा है एंड यू विल फील लाइक दैट यू बिलोंग हेयर। और ये पोजीशन आपको अगेन तब मिले जब यू व्हेन यू पास सम एग्जाम एंड ऑफ कोर्स यू आर पासिंग द एग्जाम, दैट्स व्हाई यू आर गोना गेट टू दिस यूनिवर्सिटी कॉलेज और व्हेन यू पास द इंटरव्यू देन यू वर्क इन दिस कंपनी। पर जहाँ पर आप अभी रहते हो ना उस जगह पर ये कंपनी या यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, इस वजह से आपको ट्रेन या प्लेन या अगेन कार से उस जगह पर जाना पड़े रहना और आपको उस जगह पर फिर रहना पड़े। इनफैक्ट उस जगह पर आपको एक ड्रेस कोड भी फॉलो करना पड़ेगा या फिर एक लिटरली एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म होगी जो आप पहनोगे। इन वी हैव मैच्योर वुमन, वी सी एन ओल्ड मैच्योर पर्सन है और ऑफिशियल पर्सन है एंड देन वी हैव द मैच्योर वुमन। आई सी कि जिन लोगों से आप मिलोगे या जो लोग आपके अथॉरिटीज़ होंगे ना, वो काफ़ी सालों से उस कंपनी या काफ़ी सालों से उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं या उस यूनिवर्सिटी कॉलेज का पार्ट हो सकते हैं एंड समहाउ ये लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। ये लोगों को आप में उनका यूथ दिखता है, मतलब आई होप
आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड. मतलब ये जो ओल्ड लोग होंगे या प्रोफेसर्स, टीचर्स, मेंटोर या आपके जो बॉसेस होंगे, उनको आपके अंदर अपना बचपन या अपना यूथ या अपना यंगर वर्जन दिखेगा. एंड दैट्स वाई दे विल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू यू, या वो आपको प्रायोरिटाइज करते हैं, वो आप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो आपको ज़्यादा कन्वीनियंस देते हैं. आई सी दिस एज वेल. सम हाउ द अथॉरिटीज विल लाइक यू एंड विल गिव यू फेवर्स. सो येस, दिस इज हैपनिंग. यू आर बिकमिंग द फेवरेट ऑफ योर बॉसेस और प्रोफेसर्स. सो दिस इज हैपनिंग एंड यू विल फील गुड विद देम, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं उनसे अपनापन महसूस होता है. देन यू हैव गेटवे. सो फाइनली यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ. फाइल नंबर 3, यू आर हैप्पी, यू आर फीलिंग की मैजिकल अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आ रही है और मैं उस जगह पर पहुंच पा रहा हूँ या पहुंच पा रही हूँ जिस जगह पर मुझे जाना था, और मैं उन लोगों के साथ हूँ जिन लोगों के साथ मैं रहना चाहती थी या चाहता था, मतलब उन लाइक माइंडेड लोगों के साथ हूँ. सो यू विल फील रियली गुड. जैसे यू नो, एक वो फीलिंग आती है जब हम 10th क्रॉस अपना कर जाते हैं, 10th कर ली हमने. जैसे कई लोगों को मैथ बहुत बुरा लगता है, नंबर्स, क्रंचिंग नंबर्स, ये बहुत बुरा लगता है, एंड फाइनली दे आर गोइंग इन ह्यूमैनिटी, सो दे आर फीलिंग लाइक ओ माय गॉश, फाइनली मैथ से छुटकारा है. सो वैसा फीलिंग आ रहा है आपको, आएगा आपको अपने करियर में, किसी चीज़ से आप छूट रहे हो, एंड यू आर रियली हैप्पी फॉर दैट, हैप्पी अबाउट इट. सो एक ऐसा लिबरेशन, एक फ्रीडम आपको महसूस होगा करियर में. नेक्स्ट अप वी हैव अबंडेंस. सो यू आर गोना फील अबंडेंट इन योर करियर, हैप्पी, सेटिस्फाइड इन योर करियर, ये यहाँ पर इंडिकेशन है. देन वी हैव न्यू बिगिनिंग. सो येस, ऑफकोर्स वी हैव न्यू बिगिनिंग्स ऑन द कार्ड्स फॉर यू. करियर में नई बिगिनिंग, एंड अगेन यू आर क्वाइट हैप्पी अबाउट दिस न्यू बिगिनिंग विच इज हैपनिंग फॉर यू. वेरी हैप्पी अबाउट द न्यू बिगिनिंग. कहीं नई, कोई नई जगह पर जा रहे हो, और इस नई जगह पर जाने के लिए ट्रैवल भी आपको करना पड़ेगा. वो ट्रेन से ट्रैवल करो, कार से ट्रैवल करो, प्लेन से ट्रैवल करो, पर ट्रैवल तो है. एंड वी हैव एकोज. इट सेज एंशंट कल्चर, रूट्स, कस्टम्स. सो एज ऑफ टोल्ड यू विल फॉलो सम ड्रेस कोड. कोई ऑफिशियल यूनिफॉर्म आप पहनोगे, और आई सी के आपको ऐसा महसूस होगा कोई मेरी एंसेस्ट्रल ड्यूटी मैंने फुलफिल करी है इस जगह पर पहुंचने के बाद, और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा. आपको लगेगा दैट आई एम बैक टू द प्लेस वेयर आई वॉज सपोज टू बी, या फिर मैं पास्ट लाइफ में इस जगह पर आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ. आपको डेजा वो फील हो उस जगह पर जाने के बाद, आपको ऐसा लगे कि मैंने ये जगह पहले भी देखी हुई है. ऑल दो मैं इस जगह पर पहली बार आया हूँ या आई हूँ इस लाइफ टाइम में, बट आई फील अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस प्लेस. आई फील दैट आईव सीन दिस प्लेस समवेयर. देन वी हैव सॉलिट्यूड. एंड आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों ने जो चीज़ आप जाकर वहाँ पर देखोगे, वो चीज़ एक YouTube वीडियो में भी देखी हो सकती है. आप है ना, आजकल वीडियोस जो आप देखते हो, तो फाइनली यू हैव रीच द प्लेस वेयर यू वॉन्टेड टू बी, जो आपने उस वीडियो में देखी. सो दैट कैन इवन हैपन. देन वी हैव सॉलिट्यूड. इट्स एज कंटेम्पलेशन, क्वाइट, क्लैरिटी, रिन्यूअल. आई डू फील फाइल नंबर 3, जिस जगह पर आप जा रहे हो ड्यू टू योर करियर, आपको एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होगा. यू विल फील लाइक मैं, this was my home or this was my place centuries back. You'll feel at home at that place, even though us jagah par aap pehli bar aaye ho, or yeah, but still you'll feel like that you are at home. So you'll feel peace, you will get clarity on your life goals or the things you need to achieve in life. So yeah, you will get a mystical experience there, out of ordinary experience there. Last but not the least, this astrology deck se kya information hai. Ye cards bahut bade bade hain. Okay, let's just pull this card. So we have Capricorn. So Capricorn na pile number 2 mein bhi aaya tha, but from a different deck. Let me show you. ये वाला आया था कार्ड पाइल नंबर 2 में, और आपके पास भी पाइल नंबर 3 केप्रिकॉन ही कार्ड है. वी ऑल आर ऑन द सिमिलर सेम फ्रीक्वेंसी. सो या
सैटर्न कैप्रिकॉर्न को रूल करता है. इट सेज एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्फ विल, कंजर्वेटिव, इंडस्ट्रियस, प्रिजर्विंग, कंट्रोलिंग, स्ट्रक्चर्ड, अलूफ. सो या काफ वात अर्थ नंबर 30. और ये भी पाइल नंबर 30 की है. मतलब अगर आपका बर्थडे 30 हुआ था, दैट्स व्हाई यू चोज दिस पाइल. सो या द कैप्रिकॉर्न हियर इज अबाउट, मतलब कैप्रिकॉर्न कर्म को शो करता है, करियर को शो करता है. तो करियर पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा फोकस है. आप एक बहुत अच्छे इंसान हो जो आप अपने कर्मों के थ्रू दूसरे को रियलाइज भी कराते हो कि आप बहुत अच्छे इंसान हो. द कैप्रिकॉर्न शोज के कैप्रिकॉर्न ना हमारी अथॉरिटीज, बॉसेस, कोवर्कर्स, हमारा ऑफिस प्लेस को रिप्रेजेंट करता है और आपके रेप्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो ये सब चीज़ों के अराउंड जो है लाइफ काफ़ी रिवॉल्व करेगी. मतलब आप वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, घर तो सिर्फ आप सोने के लिए जाओ. अगर आप एजुकेशन में हो तो बहुत सारा टाइम आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्पेंड करो और फिर अपने हॉस्टल या अपने पीजी या अपने घर सिर्फ सोने जाओ. और या घर पर भी आप वो बहुत सारा काम लेकर आ रहे हो, दैट कैन हैपन. यू मे हैव टू ब्रिंग वर्क home because there is so much of work, and I see you disciplined, organized and structured in your career, in your work or in your education. You're working too hard, working for long hours, I see. And the Capricorn also gives me this message ki aapki bandar wali bhag daud to bilkul bhi nahi hai. Aap soch samajh kar, matlab कैलकुलेट करके ही काम कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि लग गए तो लग गए, भाई अंधाधुंध काम आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है. बट आप बहुत एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रहे हो, सोच समझ के काम करो, गलतियां नहीं करोगे अपने काम में, ये शोर है. क्योंकि आप बहुत डिटेल ओरिएंटेड और प्रेजेंट में प्रेजेंट रहकर काम करो. ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हो और आपका माइंड कहीं और ही है, ऐसा नहीं. आप प्रेजेंट में प्रेजेंट नजर आ रहे हो, हार्ड वर्किंग बहुत नजर आ रहे हो. अगेन कैप्रिकॉर्न आपका असेंडेंट में भी हो सकता है, लाइक योर राइजिंग साइन कैन बी कैप्रिकॉर्न. फर्स्ट हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन हो, या कैप्रिकॉर्न में आपका सैटर्न प्लेस्ड हो, या सन आपका कैप्रिकॉर्न में प्लेस्ड हो, सन सैटर्न का कंजंक्शन हो कैप्रिकॉर्न साइन में, विच ऑल्सो शोज दैट यू विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर पेरेंट्स. यानी अगर पेरेंट ने कोई डेट लिया है, या पेरेंट का कोई काम है, या कोई लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क है, वो सारा काम आपको पेरेंट्स का करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. स्पेशली अगर आपका सन सैटर्न कंजंक्शन है, वो भी केंद्र हाउसेज में, फर्स्ट फोर्थ सेवन्थ या टेंथ हाउस में, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन्स. बट या कैप्रिकॉर्न आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो गए, यानी इनमें आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड या प्लैनेट जरूर प्लेस्ड होंगे इन द D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में भी ये चीज़ हो सकता है. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. वर्क पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने कर्म पर बहुत ज़्यादा फोकस है. सो दिस इज द इंडिकेशन. मनी की अगर हम बात करें तो वी हैव द अबंडेंस कार्ड. तो मनी में यू विल फील अबंडेंट, यू विल फील वेरी सैटिस्फाइड. You will feel like that, yes, I'm getting the right amount of money, I'm earning the right amount of money, मेरे को अपने craft का right money मिल रहा है. So money wise आप काफ़ी satisfied नज़र आ रहे हो. अगर आप money wise financially बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे लाइफ में, सडनली आप बहुत अच्छा करने लगोगे financially ज़िंदगी में, तो ये नज़र आ रहा है. All right. So yeah, that was it. This was the reading. Astrologically, अगर हम देखें, sign of Gemini, sign of Virgo, sign of Scorpio, एंड इवन कैप्रिकॉर्न, लिब्रा भी ये प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में, यानी इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. फिर विशाखानुराधा, ज्येष्ठा, स्कॉर्पियो में होता है. कैप्रिकॉर्न में वी हैव उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा. तो ये नक्षत्र में आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस्ड होगा D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. ऑलराइट, सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Also, like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, I'm wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for loved ones. And I shall see in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive. Stay happy.